नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 11 का शीर्षक है शिष्टाचार। चित्र पर आधारित गतिविधियां दी हुई है। उपयुक्त चित्रों में शिष्टाचार संबंधी व्यवहार को दर्शाया गया है। आपके जीवन में शिष्टाचार का क्या महत्व है बताओ। आप जानते हैं बच्चों शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार होता है कि हम किस तरीके से शिष्ट आचार व्यवहार करते हैं, यानी कि मैनर्स। हम किस तरीके से बोलते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं और अपनी वाणी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में। पाठ में प्रवेश करते हुए बच्चों, मनुष्य के गुण और उसकी सूरत रंग रूप में नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार या चरित्र में झलकते हैं। अतः अपने व्यवहार या चरित्र को आकर्षक तथा श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करने के लिए शिष्टाचार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अतः शिष्टाचार को अपनाओ और शिष्ट बनो। आइए शुरू करते हैं। प्रभात और दीपक, ये दोनों हमारे पड़ोस में रहते हैं। प्रभात जब कभी मुझसे मिलता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु दीपक दूर से चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। सभी लोग प्रभात की प्रशंसा करते हैं, जबकि दीपक का व्यवहार सबको हंसा देता है। यों तो दीपक पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रभात ही बनता है। इसका कारण है प्रभात की बोलचाल और उसका व्यवहार जो लोगों के मन को लुभा लेता है। अन्य शब्दों में प्रभात का व्यवहार शिष्ट है जबकि दीपक का अशिष्ट। समाज में सभ्य कहलाने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए, उन्हें अपनी आदत बना लेना चाहिए। किंतु यह ध्यान रहे कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भी अलग अलग होते हैं, परंतु उनका आधार प्राय समान ही होता है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है, जो हमारे व्यवहार का अति आवश्यक अंग है। हमारी वाणी और व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ, जी नहीं कहना चाहिए। किसी बात का जवाब ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है। बच्चों, जब आपकी मम्मी आपको बुलाती हैं तो आप कैसे जवाब देते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ, क्या बात है, बोलो, तो आप ऐसा ना बोल के हाँ जी, जी इस तरह से कहेंगे तो आप ज़्यादा शिष्ट लगेंगे। तो आज से आप इसी तरह से जवाब देंगे ना। चलिए आगे चलें। विनम्रता केवल बड़ों के लिए नहीं अपितु बराबर वालों और अपने से छोटे के प्रति भी होनी चाहिए। छोटों से हमें नम्रता और स्नेह से बात करनी चाहिए। छोटों से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या ककर्षता नहीं। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वारा हवै संचरे, साले सफल शरीर। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। घर में किसी के आने पर उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों के बैठ जाने पर ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी शिष्टता और विनम्रता आवश्यक है।
बस अथवा रेल में खड़ी हुई महिलाओं को अपनी सीट देना शिष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि हमें कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनम्र व्यवहार कर रहे हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहे हैं अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहे हैं, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में हस्तक्षेप ना करना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र अथवा जाति के बारे में पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो ताक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे छेड़ना अशिष्टता है। यदि हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो उसके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता अवश्य रखनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद देते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपरी मन से नहीं। भोजन के समय अलग शिष्टाचार होते हैं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। खाना खाते समय मुंह खोलकर नहीं खाना चाहिए। खाना चबाते समय मुंह खोलकर नहीं चबाना चाहिए। खाना चबाते समय मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अपनों से बड़े के भोजन समाप्त करने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। उनके मना करने पर भी ज़बरदस्ती उनकी थाली में रोटियां अथवा पूड़ी आदि रखना उचित नहीं है। शिष्टाचार का तीसरा आकार है अनुशासन का पालन। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना अनुशासन है। सड़क के बाईं ओर चलना तथा निषिद्ध मार्ग पर ना चलना कानून संबंधी अनुशासन का पालन करना है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। समय का पाबंद होना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे वक्ता को अपनी पूरी बात कहने का मौका ना देना अशिष्टता है, सभा में शोर करना अनुचित है, राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, चलना या झूमते रहना अनुचित व्यवहार है, जब सब लोग बैठे हों वहाँ पैर फैलाकर बैठना अथवा लेट जाना अशिष्टता का सूचक है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठें या चारपाई पर लेट जाएं। अन्य लोगों की उपस्थिति में इस इच्छा को दबा देना ही सही है। शिष्ट व्यवहार के लिए मन को संयम में रखना आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है, स्वयं की प्रभावशाली छवि बनती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का हृदय आहत होता है तथा अंत में हमें हानि ही होती है। तो अब यहाँ पर आपने सीखे शिष्टाचार के तीन नियम। पहला विनम्रता, दूसरा दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करना और तीसरा अनुशासन का पालन करना। तो अब हमें दिए हुए हैं बच्चों यहाँ कठिन शब्द जो हम लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में। प्रभात, शांत, स्वर,
स्वभाव, प्रशंसा, व्यवहार, कुशाग्र, शिष्ट, अशिष्ट, विनम्रता, वाणी, स्नेह, कटुता, ककर्षता, औषधि, सत्कार, प्रसन्नता, आचरण, चेष्टा, तिरस्कार, हस्तक्षेप, अनुचित, कृतज्ञता, अधीरता, अतिथि, अनुशासन, निषिद्ध, राष्ट्रगान, प्रभावशाली, छवि, आहत, इच्छा, हानि। ये हैं शब्दार्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। प्रशंसा का अर्थ है बढ़ाई, चापलूसी, खुशामद, कुशाग्र, तीव्र, प्रखर, चेष्टा, प्रयत्न, शिष्ट, सभ्य, निजी, व्यक्तिगत, विनम्रता, कोमलता, कृतज्ञता, उपकार को मानना, ककर्षता, कठोरता, अधीरता, बेचैनी, मधुर, मीठा, अतिथि, मेहमान, कटुक, कड़वा, वक्ता, बोलने वाला, श्रवण, सुनना, संयम, नियंत्रण, सत्कार, आवभगत, आहत, घायल और आचरण, व्यवहार। अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? प्रभात और दीपक कहाँ रहते हैं? प्रभात और दीपक एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वे लेखक के पड़ोस में भी रहते हैं। विनम्रता से क्या आशय है? विनम्रता से आशय है कि हम दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ कड़वाहट भरे शब्दों और ककर्षता में ना बोलकर यदि हम मधुर वाणी से विनम्र होकर व्यवहार करते हैं तो हम विनम्रता के गुण का पालन करते हैं। विनम्रता हमें सिर्फ अपने बड़ों से ही नहीं अपितु अपने समान और अपने छोटों से भी रखनी चाहिए। छोटों के साथ हमें सदैव प्यार से ही बात करनी चाहिए। विनम्रता केवल हमारी भाषा में ही नहीं हमारे कर्मों से भी उजागर होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हमारे बड़े खड़े हैं तो हमें भी उनके सामने बैठना नहीं चाहिए अपितु उनके बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। हमें अपने घर आने वाले मेहमान का स्वागत कैसे करना चाहिए? हमें अपने घर आने वाले मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, उनका यथोचित सत्कार करना चाहिए और भोजन भी उन्हीं की रुचि के अनुसार बनाना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण क्या है? शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करना। अनुशासन का पालन करना आवश्यक क्यों है? अनुशासन का पालन करना आवश्यक इसीलिए है क्योंकि यह हमें नैतिकता पूर्वक कानून के संबंध में और सामाजिक जीवन में भी गौरवशाली ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। अनुशासन का पालन करने से हमारा जीवन अनुशासित होता है और हम सभी कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति सरलतापूर्वक कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। प्रभात किस प्रकार के स्वर में बोलता है? शांत स्वर में। दीपक पढ़ाई लिखाई में कैसा है? कुशाग्र बुद्धि। हमारी वाणी में क्या होना चाहिए? मिठास। हमें खाने में नहीं दिखानी चाहिए अधीरता। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो अधूरे हैं और आपको इन्हें पाठ के आधार पर पूरा करना है। तो ये है आपका बच्चों आज का गृह कार्य। आप पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और इन वाक्यों को पूरा करेंगे। शब्दों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं। आचरण का अर्थ है व्यवहार, कृतज्ञता का अर्थ है उपकार को मानना, संयम का अर्थ है धैर्य, इच्छा का अर्थ है चाह
और सत्कार का अर्थ है आवभगत। यहाँ मैंने आपको आचरण, संयम और सत्कार का वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया है। जैसे कि आचरण, हमें अपने बड़ों व छोटों से विनम्र आचरण करना चाहिए। संयम, जीवन में संयम का होना अति आवश्यक है। सत्कार, अतिथियों का सदैव सत्कार करना चाहिए। अब यहाँ जो दो बचे हैं, कृतज्ञता और इच्छा, ये आप करेंगे अपने गृह कार्य में। यहाँ मैंने आपको इनके अर्थ दिए हैं, वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सभी लोग प्रभात की प्रशंसा क्यों करते हैं? सभी लोग प्रभात की प्रशंसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वह बहुत ही शांत है और सबसे बहुत अधिक विनम्रता से बात करता है। हम अपनी विनम्रता कहाँ कहाँ और कैसे दर्शा सकते हैं? हम अपने बड़ों से, अपनी समान उम्र के व्यक्तियों से और अपने छोटों से मधुर वाणी में विनम्र तरीके से बात कर सकते हैं। हम अपने बड़ों के आदर में उन्हें जगह देकर स्वयं खड़े हो सकते हैं। बस या रेल में महिलाओं को सीट देकर भी हम अपनी विनम्रता को दिखा सकते हैं। विनम्र होते हुए हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? विनम्र होते हुए यदि हमें ऐसा लगे कि कोई हमारा तिरस्कार कर रहा है या हमें दीनहीन जानकर हम पर दया कर रहा है, तो हमें ऐसे व्यक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करनी चाहिए। भोजन करते समय हमें अपनी शिष्टता का परिचय कैसे देना चाहिए? भोजन करते समय हमें अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। हमें बहुत अधिक भोजन एक साथ नहीं लेना चाहिए। हमें मुंह खोल कर नहीं खाना चाहिए। चबाते समय हमारे मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए और बड़ों के भोजन समाप्त कर देने के बाद भी हमें भोजन करते रहना नहीं चाहिए। परीक्षा अनुशासन का कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करो। परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए समय पर पहुंचना परीक्षा अनुशासन का एक उदाहरण है। यदि आपके अध्यापक आपको परीक्षा कक्ष में शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, तो उस समय मौन रहकर अपनी परीक्षा पर ध्यान देना भी अनुशासन का एक उदाहरण है। संयम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संयम का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। संयम से ही हमारे व्यवहार में शिष्टता आती है, अनुशासन आता है। शिष्ट होने के लिए जीवन में संयम का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हम अपने मन और विचारों को नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। इसलिए हर इंसान का संयमित होना और अनुशासित होना अत्यंत आवश्यक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप भी शिष्टाचार के सभी नियमों से परिचित हो गए होंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।